Good morning, everyone. कल मॉलस कंप्लीट हो चुका था. आज हम क्या बात करने वाले हैं? सीमांत बेटा के बारे में, राइट? देखिए, जब हम लोग बात करते हैं आई नो डोमेगा, ठीक है, तो इस टर्म को दो पार्ट्स में डिवाइड करके देखिए तो हमें दो चीजें देखने के लिए मिलता है, एक आई नो एंड डोमेगा, ठीक है. डर इधर बैठ गई. डर जब भी हम डर को पढ़ते हैं ना तो चीज नोटिस करते हैं ना, डर में स्टैटिकल प्रोसेस एंडोडर्मिस मतलब होता है स्किन, ठीक है. तो डर्मिस है इकाइनो मतलब होता है स्पाइन, ठीक है. तो ये जो काइनोडर्मेटा के मेंबर्स होते हैं इसको हम क्यों रखते हैं? इसका की कैरेक्टर नहीं है, मैं इसका मतलब बता रही हूँ. इसकी वेंट्रल सरफेस पर स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहते हैं बहुत सारे, ठीक है ना. इसे पैरिकेटोडर्म बोलते हैं. जैसे मैं एग्जांपल दिखाऊं, and the water
cardiovascular system of COPD patient which includes due to painful locomotion. इसका आपको कर रहे हैं लगा देते हैं ये आपका इसमें क्या कर रहे हैं इसमें ट्यूब फीड पाए जा रहे हैं लोकोमोशन किसके थ्रू करता है साफ पेशिया अगर दूसरे के नंबर समझे किसी चीज से करती है क्लियर है. दूसरी खास बात हम लोग बात करें तो इसमें वाटर वैस्कुलर सिस्टम जो होता है ठीक है वो सिर्फ इकाई दुपट्टा के मेंबर से लेकर मिलता है बाकी किसी भी फाइलम में नहीं है वाटर वैस्कुलर सिस्टम ठीक है ना. ये ट्यूब फीड के थ्रू होता है ये बात को समझ कर ध्यान रेस्पिरेशन पर माइंड टू मसल्स कैन एंटर ड्रॉपिंग और रेस्पिरेटरी ठीक है. रेस्पिरेशन जो होते हैं वो डर्मल ड्यूस के थ्रू होते हैं. इससे डर्मल मतलब कि जो डर्मल ड्यूस से जेल रहते हैं ठीक होगा या फिर जिनाइटल ड्यूस उसी बंदे जो आपके स्पोर्ट में जेल रहते हैं ठीक है इतना हो सकता है. नेक्स्ट नर्वस सिस्टम ऑफ प्राइमेटिव कैपिटल ऑफ ब्रेन हां जो ब्रेन के लिए एंड में ठीक है. लेकिन नर्वस सिस्टम जो होता है बहुत प्रोटेक्टिव है देखा होगा सब ठीक है. सेम यही कंडीशन देखने को मिलती है जो
उसमें जब पानी है वो उसमें कॉन्ट्रेक्शन होगा तो जाहिर सी बात है नीचे की तरफ का स्ट्रक्चर दिख रही है ओडीएम वाला। ओडीएम की वजह से वहां पर अब एक प्रेशर क्रिएट होता है जिसको हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कहते हैं, ठीक है। और इस वजह से जो सक्शन होता है वो बॉडी सरफेस पर से चिपक जाता है। बचपन में बंदूक के आती है बच्चों के लिए जिसमें ऐसी हो रही है कि आगे के किसी को किसी लगा देते हैं, देखिए इसको दीवार पर लगाते हैं चिपक जाती है ना वो देखी होगी। तो ये क्यों चिपक जाती है? चिपकने के लिए उसको ग्लू तोड़ना नहीं है, चिपकती क्यों है? सक्शन की वजह से, ठीक है। वहां पर एयर टाइट होगा ठीक है ना, चूस के जो आगे सफर होते हैं वो भी जैसे इस तरह चिपका देते हैं ना, होते इस तरह से कप लाइक शेप की होगी जैसे क्रिएट होगा ना, यहाँ पर दबाव पड़ेगा तो इस तरह चिपक जाएगी, ठीक है। सरफेस पर ही चिपक जाते हैं इसके से बहुत इजीली वो रिमूव करते हैं। ये अभी आपको समझ नहीं आएगा सेकंड ईयर से बस ट्यू फीट पैथोलॉजी क्या होता है। नेक्स्ट जब हम लोग बात करें एस्टीरॉइडिया के बारे में सब ठीक है, नाम में ही लिखा हुआ है एस्टीरॉइडिया इसमें जो इसकी आर्म्स होती है वो बहुत शार्पली मार्क होती है, मतलब बॉडी ऐसी ब्लंट टाइप की रहेगी सब तरफ से पेंटी, ठीक है। फ्रॉम द सेंट्रल डिस्क डिस्टिंक्ट फॉर एन एबोलर सरफेस, हां इसमें एक पोलर सरफेस होगा एक एबोलर सरफेस होगा। सरफेस समझ में आ रहा है, एक ऊपर और एक नीचे की तरफ, तो ये बात होती है मतलब तरफ जाने की तरफ जेब लेता है नीचे की एक अपू लेवल हो गया एक बैटरी को राइट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट एंडोब्लेबुलर ग्रूव्स ओपन एंड कंटेनिंग फील्ड, अम्बुलेबुलर ग्रूव जो होती है वो ओपन होता है और उसमें क्या पाए जाते हैं फील्ड पाए जाते हैं। अब बैंड अप एंडोस्केलेटल ऑफ द एरियस ऑसिकल्स, हां ये भी बताया था स्टैंड पर क्या क्या पाए जाते हैं, इसमें ऑसिकल पाए जाते हैं। ऑसिकल क्या होते हैं? स्पाइनल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट जो इसलिए है इसका काम क्या होता है, तो समुद्र के बॉटम में बहुत सारी गंदगी रहती है, ठीक है, एल्गी गंदगी रहेगी तो एल्गी वगैरह या छोटे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना वो उससे चिपक जाते हैं कभी कभी गिर गई, ठीक है, तो एल्गी चिपक जाती है तो आप फिर उसे साफ करो बेड से लेते हैं सभी आम की हेल्प से वो अपनी आम को इस तरह से साफ करोगे तो सीजन लाइफ स्ट्रक्चर क्लियर है। नेक्स्ट रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन जो है दोनों ही सीजन में विकसित होगा, ठीक है, इसमें ऐसा स्पेशल कोई नहीं है। और नेक्स्ट सेक्सेस सेपरेट द लार्वा इज आइडेंटिफाइड बाय मेरिया और प्रोटोजोआ ने, यस इसमें सेक्सेस सेपरेट होंगे मेरिया को अलग होते हैं और के लार्वा को हम क्या बोलते हैं बाइपेडेरिया, बाइपेडेरिया को पाया जाना और प्रोटोजोआ ये आप ये अभी से बाइपेडेरिया के नाम का लार्वा पढ़ाएंगे है ना, जैसे प्रेडेटर अब आपने किसको पढ़ लिया था बोबेरिया को पढ़ लिया है ना, बट बाइपेडेरिया एक टाइप का होता है, ठीक है। एग्जांपल स्टारफिश, ठीक है, पास खत्म। सेकंड क्लास सेकंड ऑफियोरुइडिया, ऑफियोरुइडिया नेक्स्ट बॉडी नेटवर्क इन टास्क शेप टू डिस्प्ले ओरल एंड एब्डोमिनल सरफेस,
इसमें आप ओरल एब्लेशन कर सकते हैं और बॉडी के लिए फ्लैट शेप की है। तो स्टार्ट देखें, अगर हम देखें दिख रहा है ना, इस सेल में फ्लैट शेप की होती है। नेक्स्ट आर्म्स यू कैन बी क्वाइट स्लेंडर एंड शॉर्टली मार्क फॉर कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक है, आर्म्स जो होती है जनरली फाइट होती है, इसमें स्लेंडर टाइप की होगी और जॉइंट रहेगी। इसके थ्रू सेंट्रल बेस की तरह बीच में बोल सर होता है, उसके साथ फाइव आर्म्स की होती है। अंगुलेकर ग्रूव्स कवर्ड बाय ऑसिकल्स। अंगुलेकर ग्रूव के ऊपर क्या पाए जाते हैं? ऑसिकल्स पाए जाते हैं। ऑसिकल्स वही स्पाइनल लाइन से होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पैड इज पेरिनियम डर्मल बेस एंड सेंटर। इससे पेरिनियम रीजन है और डर्मल बेस का सेंटर। नेक्स्ट मेटल क्लोराइड ऑन द ओरल सरफेस। इसमें मेटल क्लोराइड पाया जाता है ओरल सरफेस पर। ठीक है, मेटल क्लोराइड क्या होता है? मेटल क्लोराइड वो आपकी जगह होती है जहाँ से पानी जो है उसके अंदर बॉडी में एंट्री करता है। ठीक है, लोकोमोशन के लिए भी तो पानी की जरूरत है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम है, तो ऐसा सिस्टम जो वाटर के लिए स्क्वायर ब्रेक होती है, तो पानी किससे एंट्री करता है? इसमें आपके इस चीज की जरूरत है। ठीक है, मेटल क्लोराइड। नेक्स्ट लोकोमोशन एंड रेस्पिरेशन बाय ट्यूब। ये तो समझ में आया होगा। नेक्स्ट सेक्सेस एब्डोमेन एंड ब्रीथ स्वीपिंग अप बाय स्मॉल ट्यूब्यूल्स। इसमें मेल फीमेल दोनों अलग होते हैं और फ्री स्वीपिंग वाल्व पाया जाता है और इसके अलावा हम क्या कहते हैं हम वेंट्रिकल्स। ठीक है, नेक्स्ट ये कार्डियक ट्यूब। नेक्स्ट कॉमनली कॉल्ड सी आर्टरीज। हां, इसमें जितनी भी है ये सी आर्टरीज है। ठीक है, इसका एक पूरा वाला है। ठीक, बॉडी स्फेरिकल रहेगी। ठीक है, स्फेरिकल स्फेरिकल क्या होता है? सर्कल जैसा। जी जी, सर्कल होता है। कोई एग्जांपल सेट कर सकती हो? बॉल। तो बॉल क्या है? स्फेरिकल है, सर्कल है। अच्छा, और सर्कल तो आज तक कुछ सर्कुलर देखा ही नहीं है। हम एग्जांपल से करते हैं, बताओ। एक 3D में ऐसे दिखता है, तो बस बिल्कुल सही है। सर्कुलर का मतलब कुछ एग्जांपल, मतलब एग्जांपल से समझ में आता है। नॉर्मल लैंग्वेज से नहीं है। आपके बटन लग रहे हैं ना? सर्किल लग रहे हैं? बैंगल जो होती है सर्क्यूलर। ठीक है, क्योंकि 3D में सर्क्यूलर सिर्फ 2D की है। नेक्स्ट आगे बढ़े। आर्म्स आर सेंटर्स में आर्म्स से ये नेक्स्ट और उसमें फिर ऐसी मूवेबल स्पाइन, मूवेबल ऐसी स्पाइन पाई जाती है जो मूवेबल कंडीशन में बॉल है आपके पास, उसमें स्पाइन निकली हुई ऐसी तरफ से। ठीक है, लेकिन वो कैसी है? मूवेबल है। समझ में आ रही है बातें? माउथ एंड एनस ऑन अपोजिट एंड हां। नेक्स्ट मेडिकल क्लोराइड ऑन ओरल सरफेस। नेक्स्ट पेनी पेनी स्टेरी स्ट्रोक एंड सी ड्रॉ। ठीक, पेनी स्टेरी एंड होते हैं फुची स्ट्रोक, मतलब वो स्ट्रोक पर प्रेजेंट रहते हैं। स्ट्रोक है वहां पर दैट पेनी स्टेरी दिया। ठीक है, और उसमें तीन जॉइंट होते हैं सांस भरने के लिए, पता ना पेनी कैच लाइक होता है तो देखिए डायग्राम बनाना है आपको।
बोलो सुबिया का। हाँ तो कीड़े जैसा लग रहा है ना, लग रहा है कि नहीं लग रहा है? कीड़े जैसा नहीं लग रहा, उसके ऊपर भी फ्लावर से लगा देंगे तो अपने आप कीड़े जैसा लग जाएगा। ठीक है, समुद्र में रहते हैं सारे लोग, जैसे बातें समझा बोलेंगे सी की ऊपर। समझ में आया? उसका सब वो लगा के देते हैं। नेक्स्ट बॉडी, बॉडी लोकेटेड इन हाँ, उसी बॉडी लंबी होती है और
कि देखिए तब हमने सारे पढ़े हुए बहुत सारे पर जब भी कोई आपसे पूछता है तो फिर क्या करना है ठीक है पोर्ट्रेट के तीन ही कैरेक्टर आपको भी याद रखना है फर्स्ट पहला क्या रहेगा तो फर्स्ट है आप लोगों का कि एक केस में फैरेंजियल स्लिट स्पाइडर फैरेंजियल नेक्स्ट इसमें प्रेजेंट रहते हैं आपके नर्व कॉर्ड ठीक है और थर्ड क्या है नोटो कॉर्ड तो नोटो कॉर्ड नर्व कॉर्ड और फैरेंजियल स्लिट तीन जो कैरेक्टर्स होते हैं क्वाड्रेट्स क्लियर है बट इसको हम तुम्हें क्वाड्रेट तो पढ़ भी रहे अभी पढ़ रहे हैं मतलब ये तीन कैरेक्टर्स शो कर दो वो आपके हैवी क्वाड्रेट के एनिमल्स में किसी ना किसी स्टेज पे जरूर आते फिर वो स्टेज चाहे कि लार्वा स्टेज ठीक है लार्वा स्टेज में है जैसे ये नर्व कॉर्ड का बॉडी वगैरह जैसे जैसे वो लार्वा आपके से बदल रहा है एडल्ट में बदल रहा है वैसे वैसे इसमें तीन कैरेक्टर्स जो है वो गायब होते जा रहे हैं ठीक है तो इसको हम बोलते हैं रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस जो भी बताया जाएगा ठीक है तो समझ में आ गया कि तीन कैरेक्टर्स जो क्वाड्रेटा के होते हैं अगर वो ऐसे एनिमल में जो किसी ना किसी स्टेज पर बदल जाए वो एडल्ट स्टेज में चाहे वो लार्वा स्टेज में लार्वा स्टेज में नहीं है बट एडल्ट ठीक है तो इस वजह से उनकी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो कभी
डिफरेंट तरह के ऑप्शन है, माउथ से लेकर एनएसएस तक भी पास होता है, हो जाएगा एक्सक्रीशन जो होता है वो उसको प्रेजेंट एक दोनों के थ्रू ठीक नेक्स्ट नर्वस सिस्टम होता है इससे जुड़ा बना होता है सर नर्व मॉड्यूल्स ठीक है द डॉट्स आर नॉट कॉल्ड इन नॉट मॉड्यूल एंड डिलीवर्ड टू ब्रेन से बट बट इन सम इररेगुलर स्पेसेस इसमें जो डॉट्स आर नॉट कॉल्ड होता है वो मल्टीप्लेट की तरह से मल्टीप्लेट की बात करते हैं ना उसको फॉलो होता है सेम स्थिति के लिए कि हाफ क्वाड्रेंट है तो क्वाड्रेंट और हाफ क्वाड्रेंट के बीच में केजी तो हो गया तो एक्सिस में पर्टिकुलर भी जाएगी है नेक्स्ट द हार्ट लाइज ऑन द डॉर्सल साइड ठीक है सो हार्ट जो होता है डॉर्सल साइड पे प्रेजेंट होता है नेक्स्ट देयर इज नो पेन सेक्टेड आर यूजुअली सेपरेटेड द डेवलपमेंट ऑफ शोल्डर्स इज फ्री फ्रॉम कॉर्डिलियर कॉर्डिलियर आर के अंदर का है देखा कि कॉर्डिलियर आर से पाया जाता है ठीक है लार्वा के नाम जरूर याद रखिए जब भी आप तैयार करते हैं जब भी आप कॉपी पढ़ रहे हैं किसी कॉपी पे पढ़ रहे हैं अच्छा पीछे का पेज खोलिएगा ठीक है पढ़ते टाइम इतने लार्वा आप लोगों को ढूंढ रहे हैं वो याद रखना ठीक है पेज पे ये लार्वा खुला था आपको लार्वा को लार्वा से निकाल अब जैसे ओबेलिया रुकता है ठीक है ओबेलिया किस उसमें आता है आपको जब साइड में रहता है ठीक है तो जाहिर सी बात है आपको क्या करना होगा तो आप लोगों को उसका जो फर्टिलाइजेशन साथ में डेवलपमेंट कुछ चीजें ऐसी हैं जब आप करोगे टीचर टॉपिक बनाना कि जैसे कुछ कुछ लोग की कैरेक्टर याद करना और कुछ चीजें बेसिक से ना सब में ही अपने आज तक पढ़िए ठीक है रिप्लोब्लास्टिक अजी सेंटर होते हैं सब एक को प्रोजो आप करें प्रिपेयर है ना तो कुछ की कैरेक्टर से आपको याद रखना 10 सेंटेंस ऐसे क्लियर है थोड़ी याद करने का तरीका होता है खैर नेक्स्ट द स्टडी ऑफ हाइपरनेट्स इज वेरी इंटरेस्टिंग एज दे कंबाइन बोथ कोऑर्डिनेट्स एंड कोऑर्डिनेट कैरेक्टर्स एंड गिव सम लाइट ऑन द ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट्स The common example of hyperboloids are Velocibuses, ठीक है? तो इसका हम example बहुत अच्छे देख सकते हैं Velocibuses की study करते हैं और जब इस study का की होती है तो हमें बड़ी बेटर इस study का करते हैं, ठीक है? Class first, and इसको हम दो classes में divide कर रहे हैं, तो first class क्या है? Antero Vista, की salad करते हैं, ठीक है? Antero Vista, next इसमें जो प्रोपोसिस होता है सिलेक्टेड का टाइप का होता है कॉलर जो होता है उसमें कोई भी डिफरेंट आर होता है कोई भी आर होता है नेक्स्ट एनिमेशन के हर स्टेट नेक्स्ट रेस्पिरेशन में सर्वर शेप मिक्स ठीक है सर रेस्पिरेशन जो होगा उससे होगा मिक्स से होगा नेक्स्ट एक्सेस सेपरेट डेवलपमेंट विद और विदाउट और मे बी अलग ठीक है इसमें जो सेक्सेस होते हैं वो दोनों अलग होते हैं बट इसमें बॉडी के अलग होते हैं और कुछ कुछ एनिमल्स में तो देखो भी एरोप्लेन की आंख बोलो साइंस वाले हैवी कॉटेड छोटा है ना पायलट ठीक है
Next. इसमें अकेले सेसाई होते हैं मतलब छुपके रह सकते हैं इस जगह पे अकेले भी रह सकते हैं कॉलोनी में रह सकते हैं और भी इनसाइड पाइपलाइन ट्यूब्स और उस तरह के पाइपलाइन प्रोपोजल जो होता है वो शील्ड लाइक होता है. शील्ड मतलब समझते हैं शील्ड लाइक होगा इसका प्रोपोजल कॉलर विद सीरियटेड आर्म. अब कॉलर पर आर्म्स प्रेजेंट होती है लेकिन उस पर नहीं है प्रोपोजल पर आर्म्स बट इसके कॉलर पर आर्म्स प्रेजेंट होंगे और उसकी आर्म्स सभी सीरिया प्रेजेंट होंगे. ठीक है. नेक्स्ट एलिमेंट्री कैनाल यूजुअली नियर माउथ. एलिमेंट्री कैनाल जो होती है यू शेप की होती है. ठीक है. और इसमें एनएस प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट इज वन पेयर ऑफ एलिमेंट्स. दिस सेंस ऑफ वन पेयर होगा या फिर नहीं और आपके ऐसे देखने के लिए. ठीक है. उसमें लाभ के बिना भी ये बात कही हाफ क्वाड्रेंट के बारे में. ठीक है. अब हम लोग बात करेंगे क्वाड्रेंट्स की. पढ़िए. क्योंकि जाहिर सी बात है हमें अगर पढ़ना है करना पड़ेगा हमें क्वाड्रेंट के बारे में नॉलेज पढ़ सकते पहले हमें क्वाड्रेंट के कुछ कैरेक्टर्स पढ़ने पड़ेंगे. ठीक है. जैसे देखिए यहीं पर यहाँ लिखा हुआ है ना थ्री फंडामेंटल कैरेक्टर्स. ठीक है. यही मैंने बताया था जिसमें तीन कैरेक्टर्स दो कैरेक्टर्स होते हैं जिसमें आप सोचे कैरेक्टर्स के बारे में तो आपको ये याद रखने के लिए ऊपर होने चाहिए आपके लिए. देखिए नर कॉर्ड प्रेजेंट रहती है और मोटो कॉर्ड प्रेजेंट रहती है एंड फैक्टरी प्रेजेंट. ठीक है. ये तीन ही डब्स लगाए थे अभी वही आपको स्क्रिप्ट लगा लीजिए याद रहेगा. चलिए फिर बस आज के लिए इतना काफी. हम लोग कल बात करेंगे.